नमस्कार, मैं कृष्णा सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद बदायूं से है, जहां आसफ और फैजगंज बहेटा पुलिस की साठगांठ से इलाके में काफी समय लंबे पैमाने पर चल रहा था अवैध बालू खनन। सोमवार को शिकायत होने पर एसएसपी संकल्प शर्मा के निर्देश पर एसपी देहात एसडीएम बिसौली सीओ इस्लामा नगर टीम के साथ खनन इलाके पर पहुंचे तो खनन माफिया मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मौके पर एक पोकलेन मशीन पकड़ी गई, पुलिस ने मशीन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। मशीन संभल के किसी ठेकेदार की बताई जा रही है। इस कार्यवाही में फैजगंज इंस्पेक्टर सहित पुलिस टीम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। थाना क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर और सुरैनी के बीच बालू खनन का कार्य क्षेत्र पुलिस की साठगांठ से काफी समय से सुचारू रूप से संचालित था। ग्रामीणों की शिकायत करने के बावजूद भी क्षेत्रीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। एसएसपी के निर्देश पर अधिकारी बिना फैंसगंज बहेटा पुलिस को सूचना दिए इस्लाम नगर थाने के इंस्पेक्टर धीरज सोलंकी के साथ बताए गए खनन इलाके में छापेमारी करने पहुंचे, जहां पुलिस को देख कर कंप मच गया। एसएसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि खनन को लेकर अगर किसी भी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई जाती है तो दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि हल्का दरोगा से लेकर वीट पुलिसकर्मी खनन कर खनन माफियों से महीनेदारी लेते हैं। मीडिया 100 न्यूज बदायूं से अनमोल शर्मा की रिपोर्ट। चलो जी, आपका नाम? कमल जी। कमल जी, यहाँ पर किस पद पर तैनात हैं? लेखपाल। लेखपाल, इस मामले की आपको सूचना कब मिली? मुझे सुबह मालूम पड़ी। इसमें क्या वो हो रहा है? खनन हो रहा है, 371 नंबर है, ये बेदरंग का। आपके संज्ञान में था पहले से ये? ये खेत तो आपके संज्ञान में होगा? खेत तो है संज्ञान में। खेत मामला संज्ञान में था, मतलब कोई परमिशन वगैरह थोड़ी हुई थी आपसे? ना, मुझे संज्ञान में था, क्योंकि रात में कट रही है। आपके क्षेत्र आता है? हाँ, मेरे क्षेत्र में आता है। ये सब है तो आपका ही रखवा है यहाँ पे? मेरा ही है। जी जी, तो इसमें अब क्या प्रतिक्रियाँ लागू हो रही है? आप बुला रहे हैं वो करें, ठीक है, सुबह हमने इसकी तमाश कर दी है। अच्छा, खुदाई भट्टे की हो रही थी? अब ये भी हमें कोई मिला नहीं ना, किसी के आदेश से खुदाई हो रही है क्या उसकी? अभी सारी जानकारी हमें नहीं है, अभी तो कोई नहीं मिला है हमें तो। अच्छा, हम तो इलीगल मार रहे हैं, रात में काट रहे हैं। तो अच्छा, जो खेत के मालिक हैं वो इस समय कहाँ पे हैं? वो गाँव में। वो गाँव में, उनको ये जानकारी तो होगी मेरे खेत में खुदाई चल रही है, जेसीबी उन्होंने बेची है, उन्होंने बेची, उन्हें क्या मालूम होगी। मगर खेत का बना दिया है तालाब, तालाब तो बना हुआ है अब तो, तालाब उन्हें क्यों ना, उन्हें बेची, उन्हें क्या ना मालूम हुई भाई। ये जेसीबी जो चल रही थी वो तीनों जगह पे चल रही थी ये? ना, जहाँ चल रही था। ये वाला किसका चक है? ये नवाब सिंह का है। ये वाला चक नवाब सिंह का है? ये तो पहले कटी है सर, 10-15 दिन पहले। ये तो दिन में कटी है? दिन में कटी हुई है। इसकी परमिशन है? आज कौन कौन अधिकारी आए थे? आज एजीएम साहब आए थे, एसपीआरए साहब थे, चीफ साहब थे, और सुबह कोतवाल साहब खड़े थे यहाँ पर। मैं आया था तो कोतवाल साहब खड़े थे वहाँ पर, यहाँ ऐसी खड़ी है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। आपको कौन सा चैनल है? करीबन